अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंटरनेट पे हर दिन 68 मिलियन सर्चेस सिर्फ पॉर्न रिलेटेड होती है एंड 2024 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज टेकन द फिफ्थ स्पॉट फॉर मोस्ट विजिट्स टू अ पोर्नोग्राफिक वेबसाइट। दिस इज अ शॉकिंग ट्रुथ। बट द नॉट सो शॉकिंग ट्रुथ इज एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पे जो ड्रग्स लेने के बाद असर होता है एग्जैक्टली सेम इफेक्ट ब्रेन पर पॉर्न देखने के बाद भी होता है। आपको शायद लगता होगा किसी सब्सटेंस एडिक्शन जैसे अल्कोहल और ड्रग्स जैसे पॉर्न और मैस्टरबेशन आपको इतना ज्यादा डैमेज नहीं करता। ये सब आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली आपके ब्रेन और आपके बॉडी के साथ खेल रहा है। बाय द वे लोग कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जैसे स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का कम होना या फिर आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी सेक्स लाइफ की। लेकिन इंटरनेट देख के खुद को स्टिमुलेट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम रियल सेक्स, जहाँ पे सेक्स इज अबाउट इंटीमेसी, टच, इमोशनल कनेक्शन, फेरोमोन्स एक फिजिकल एक्टिविटी जिससे डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन नेचुरली रिलीज होते हैं। पॉर्न और मैस्टरबेशन एकदम मोमेंटली प्लेजर देता है जिससे आपका ब्रेन गलत तरीके से रिवायर भी हो सकता है। लेकिन पॉर्न देखना और मैस्टरबेट करना आपके ब्रेन को कैसे डैमेज करता है? ड्रग्स की तरह ही पॉर्न सीन्स भी आपके ब्रेन के लिए हाइपर स्टिमुलेटिंग ट्रिगर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो ब्रेन में अननेचुरली हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन सेक्रेट करते हैं। अब हम में से हर किसी के ब्रेन का एक डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम होता है और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो या फिर किसी चीज के लिए स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचते हो। एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, अगर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से अपनी जी जान लगा के पढ़ाई की और एग्जाम में मुझे 100 out of 100 मार्क्स मिले, तब जाके मेरे ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड आई विल फील गुड अबाउट इट। वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। लेकिन पॉर्न देखने से और मैस्टरबेट करने से आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीटली हिल जाएगा और कई बार तो लोगों का दिमाग सेक्स और फिजिकल इंटीमेसी के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। आज तो आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तब आपको लॉन्ग रन में आपके पार्टनर के साथ अराउजल अचीव करने में डिफिकल्टी हो जाती है, जिसे आसान शब्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इस छोटे से क्लिप को देख लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट्स खत्म नहीं होते। कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली डोपामिन के हैवी रिलीज की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आपके लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। आपके ब्रेन का एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जिसे ब्रेन का पर्सनैलिटी सेंटर भी कहा जाता है। अब जब ये कॉन्स्टेंटली डोपामिन से हैमर होते रहता है तो इसमें नेचुरल सेलुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग भी हैम्पर हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन फॉग, यानी कई बार काम करते हुए आप चीजें भूलने लगते हो। अगर आपको गलती से भी कोई ये सवाल पूछ ले कि भाई आसपास कौन सा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है, तो आप उतनी सी भी चीज का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुके हैं। और जितने भी लोग पॉर्न देखते हैं उन्हें ये चीज काफी अच्छे से पता होगी कि पॉर्न में एक्टर्स की बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बॉडीज होती है जो आप में नेगेटिव बॉडी इमेज और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकती है। अब उन लोगों का तो काम ही होता है अपनी बॉडी को शोकेस करके पैसे कमाना, लेकिन उनकी बॉडीज बार बार देख देख के आपको खुद को कभी कभी लगता है कि आप में कोई कमी तो नहीं है। और तो और कई बार पॉर्न देखने से आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो जाती है जो आपका आपके पार्टनर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल लिबिडो भी बहुत हद तक कम कर देता है। लेकिन एक सिंगल वीडियो से शुरू हुआ ये सफर एक एडिक्शन में कैसे बदल जाता है? तो देखो, जितना ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा आपके ब्रेन का टॉलरेंस बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे आपके ब्रेन का टॉलरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ज्यादा स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा डोपामिन को क्रेव करना शुरू कर देते हो। और दुनिया के किसी भी एडिक्शन को उठा लो, ये चीज उन सब में कॉमन है। इसी तरीके से आपको किसी भी चीज का एडिक्शन डेवलप होता है, टाइम के साथ साथ आपका डोपामिन पीक एक अलग ही हाई पे पहुंच जाता है जिससे आपका सेक्सुअली सेटिस्फाई होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यू विल बी लेफ्ट वांटिंग एंड नीडिंग टू वॉच मोर एंड मोर पॉर्न एंड मैस्टरबेट और आपको पता चलने से पहले आप इस लूप में फंस जाते हो। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ नीचे गिरने लगती है लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन इस एडिक्शन का सोल्यूशन क्या है? कुको एफएम पे एक हिंदी ऑडियो बुक है योर ब्रेन ऑन पॉर्न। 5 घंटे की इस ऑडियो बुक में आपको ऐसे ऐसे केस स्टडीज मिल जाएंगे, शेम साइकिल क्या होती है ये पता चलेगा और ऐसे कई सारे टिप्स एंड प्रूवन स्ट्रेटेजीज मिलेंगे जो आपके पॉर्न एडिक्शन को इंस्टेंटली दूर कर देंगे। ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है और आपका अपने आप को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है जिन्हें सुनकर आप अपने आप को डेली ग्रो कर सकते हो इन जस्ट 99 rupees एवरी मंथ। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT70 यूज करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन पे 70% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 99 rupees का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 29 rupees में फॉर द फर्स्ट मंथ। मैं जानता हूँ ये अमाउंट आप में से सबके लिए एक्सेसिबल है, तो कोई भी बहाना मत बनाना और अभी जाके कुको एफएम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। आप समझते हैं कि पॉर्न एडिक्शन की आदत आपको डेली लाइफ में किस हद तक अफेक्ट कर रही है। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी और रिवॉर्ड सर्किटरी का ब्रेक होना। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया था, बार बार पॉर्न देखने से आपकी ब्रेन की रिवॉर्ड सर्किटरी ब्रेक हो जाती है, आप लाइफ में किसी और चीज के लिए मोटिवेटेड या फिर एंथुजियास्टिक फील नहीं करते। नंबर 2, डीसेंसिटाइजेशन। पॉर्न देखने से आपको सिमिलर लेवल ऑफ डोपामिन हाई को अचीव करने के लिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। डिप्रेशन, एंग्जायटी, गिल्ट की फीलिंग, शेम की फीलिंग, ये सारे के सारे फीलिंग्स दिन ब दिन एनहांस होते जाते हैं।
जाते हैं और एक पॉइंट के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं और ये चीज आपके सोशल इंटरेक्शंस वर्क परफॉर्मेंस और ओवरऑल वेलबींग को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। नंबर 4 वायलेंट बिहेवियर। इस एडिक्शन में आप क्या करते हो, जब आपको रेगुलर पॉर्न उतना ज्यादा स्टिमुलस नहीं दे पाता, उतना ज्यादा ट्रिगर नहीं कर पाता, तो आप बढ़ते हो इसकी अगली कैटेगरी की तरफ जो होता है वायलेंट और एक्सट्रीम पॉर्न एंड दिस माय फ्रेंड कुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यू। अब आप सोचो कि कोई 12-13 साल का लड़का अगर इस कैटेगरी के पॉर्न से एक्सपोज हो जाए तो उसका सेक्स की तरफ एटीट्यूड और प्रेफरेंस कितना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा एंड इट वुड बी रियली हार्ड फॉर हिम टू रिकवर। वो अपने ब्रेन के मिरर मैकेनिज्म से जो भी चीजें परसीव कर रहा है उसे अपनी रियलिटी मान लेता है। अब ये तो सारी बातें हो गई पॉर्न एडिक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है इसके ऊपर। अब हम डिटेल में इस बात को समझेंगे कि अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो उसे कैसे क्विट किया जाए। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमनाइज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको इन फिरंगियों की तरह ये नहीं कहने वाला कि आपने आसपास के लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो। ये चीज मैंने काफी सारे पॉडकास्टर्स और एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुना है, लेकिन ये चीज मुझे खुद को काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगती है कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्स और इंटीमेसी काफी ज्यादा टैबू टॉपिक्स है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम कभी खुल के बात भी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम को अगर कम्प्लीटली मिटाना है तो उसके जड़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो इस चीज को समझो कि जब भी हम 12-13 साल की उम्र में पीयर प्रेशर में आके या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पॉर्न देखते हैं तो हमें अपने आप से पूरी तरीके से डिस्गस्टेड फील करने की जरूरत नहीं है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इस एज में इन सारी चीजों के लिए क्यूरियोसिटी आना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। ये प्योरली आपके हॉर्मोन्स और आपके बॉडी चेंजेस की वजह से होता है और आप इस फेज को कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, इस चीज को बस अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। आपको इस चीज को समझना है कि जब भी आप पॉर्न देख रहे हो तब आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में खो रहे हो, वो एक स्क्रीन पे हो रही चीजें है, दैट इज नॉट द रियलिटी। एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी आप पॉर्न देखते हो तो आपके बॉडी में कई सारे सेंसेशन होने लगते हैं और जब भी ऐसा होने लगे तो एक सेकंड के लिए उस फेस से बाहर निकलो और अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करो। आपको बस सही मोमेंट में अपने आप को स्टिमुलस से डिस्कनेक्ट करना है और जैसे ही आप ये करते हो आपके बॉडी में वो सेंसेशंस कम होने लगते हैं, आपके बॉडी का कंट्रोल आपके खुद के पास आ जाता है। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, देयर इज नो रियलिटी टू इट। ये आपके बॉडी का कोई नीड नहीं है, ये बस आपके दिमाग का खेल है। ये एक बस सिंपल स्टिमुलस है जिसकी वजह से आप एक्साइट हो जाते हो और जब आप उस स्टिमुलस को हटा देते हो तो आप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो और जब आप अपने ब्रेन को ये सिंपल डिफरेंस समझा देते हो यू ऑटोमेटिकली गेट द पावर ओवर योर ब्रेन फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द स्टेट ऑफ नो कंट्रोल। आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी की पावर अपने हाथों में ले लेते हो एंड यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द स्टेट ऑफ नो कंट्रोल। नंबर 2, सब्स्टिट्यूट वन फील गुड बिहेवियर विद अनदर। अब ये मत समझो कि मैं आपको कह रहा हूं कि किसी और चीज का एडिक्शन लगा लो, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस इट विद समथिंग पॉजिटिव। आप चाहे तो जिम में जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्विमिंग के लिए जा सकते हो या फिर कोई भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको ये दिख के आ रहा है कि ये चीज आप पे हावी हो रही है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कम करते जाओ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त या फिर स्पोर्ट्स खेलते वक्त आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स कभी नहीं आते, तो अपने फ्री टाइम को कम कर दो और उसे रिप्लेस करो किसी फिजिकल एक्टिविटी से। नंबर 3, डोंट बीट योरसेल्फ अप। किसी भी एडिक्शन को तोड़ना और उससे रिकवर होना एक जर्नी है और वो कभी एक सीधे रास्ते फ्रॉम एडिक्ट टू नॉन एडिक्ट नहीं होती। इस जर्नी में हो सकता है कि आप अपनी पुरानी आदतों में स्लिप कर जाओ यानी आप रिलैप्स कर जाओ। अब ऐसे मोमेंट में इस चीज का गिल्ट और शेम लेकर आपको उस चीज के बारे में सोचते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये कोई विनिंग और लूजिंग का गेम नहीं है, ये बस उस हैबिट को कट डाउन करने का गेम है। देखो आपको अपनी डिजायर्स को पूरी तरह सप्रेस नहीं करना है। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे पैसा, फैमिली, एजुकेशन है, वैसे इंटीमेसी आपके लाइफ का एक पार्ट है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। आप अगर एक इमोशन को सप्रेस करोगे तो वो किसी और तरीके से अपना आउटलेट ढूंढ लेगा। प्लीज एनालाइज योरसेल्फ टुडे एंड थिंक अबाउट इट। और जितने भी सारी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए उन्हें ट्राई करके जरूर देखना। लेकिन जहां बात आती है सेक्सुअल प्लेजर और इंटीमेसी की, तो पॉर्न आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स ही देगा। रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, मॉरल, सेल्फ एस्टीम, सेक्सुअल हेल्थ, इन सब चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इट्स टाइम टू रीथिंक वेदर यू शुड वॉच पॉर्न और नॉट। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके योर ब्रेन ऑन पॉर्न ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। इसे जितना जल्दी आप सुनोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड फर्स्ट मंथ पे 70% ऑफ लेना मत भूलना, कहीं देर ना हो जाए। इस ऑडियो बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।